જે આમ સોરી, આજ ફેસબુક ખોલવાનું ભૂલી ગયા હતા આપણે. હમણાં જ ખોલ્યું, પછી અચ્છા ફેર તો ફોન આવ્યો, અભી જ ખોલ્યું. મેઇન રઘુનાથજીનો એટલે જે ડિસ્ક્રિપ્શન હતો એ રેકોર્ડ નથી થયું હજી. જે અભી જ મને એવું કે આપને પેલું લેટ આપ પહોંચ્યા, મેં કોઈ રેકોર્ડિંગ મેં ખોલી કાઢ્યું પણ નથી ખોલ્યું. વાંધો નહીં, જે થયું તે. અભી જ ચલો ખોલ્યું ફેસબુક, આપણે, ફેસબુક અભી જ ખોલ્યું. હા વૈષ્ણવનો ફોન આવ્યો કે સ્મિતાબેન ફેસબુક નથી ખુલ્લું, એટલે મેં અચ્છા ફેસબુક નથી ખુલ્યું કોઈ હતું. ઉપર મેં કશું ખોલ્યું નથી. અચ્છા વાંધો નહીં, સોરી જય. ચાલો આપણે આજે ભાગવત ભાવવિત કો અપન આગે બઢાએ, ભાગવત કે સાથ જાકે સંગતિ કરે. શ્રી ભાગવત ભાવવિત, જૈસે કે યે નામ જો હૈ ભાગવત મેં 52વો અધ્યાય હૈ, કે રુકમિણી જી કો સંદેશ લેકે બ્રાહ્મણ કો ઠાકુર જી કે પાસ આનું, યે ઠાકુર જી કે પાસ આ રહે હૈ બ્રાહ્મણ દેવતા. और यह अध्याय की संगति जो है भागवत भावित या नाम के साथ हो रही है. कैसे जुड़ रहे हो यह नाम देखो आप. सुबोधि जी के अनुसार ये 49th अध्याय है, 49वां अध्याय है, और भागवत के अनुसार ये 52वां अध्याय है. और हर बार की तरह ये राजस साधन प्रकरण के अंतर्गत तृतीय नाम, तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय. तीसरा अध्याय मतलब यश लीला या में प्रकट हुई है, प्रभु को यश या अध्याय के द्वारा प्रकट हुआ है. अपन सब जाने हैं कि महाप्रभु जी की जो योजना है, हमेशा उप प्रकरण को जो 7 अध्याय वालों है वह महाप्रभु जी यात्रा से विभाजित किए करे हैं, कि एक धर्मी निरूपक अध्याय और शेष 6 अध्याय धर्म निरूपक अध्याय हमें. ये मैं 50 बार ये बात आप लोगों को बता चुके हूँ, तो वो आप लोगों के ध्यान में होगी बात. तो ये यश निरूपक अध्याय है. कौन सो यश? राजस साधन प्रकरण के अंतर्गत आता हुआ यश. अब राजस लोगन को जैसो यश सुहाव है, जैसे आप लोगों को पता होगी कि ठाकुर जी को गुणगान करना, ठाकुर जी के गुणगान करनो, ठाकुर जी के गुणन को निरूपण करनो, ये यश को ही प्रकार है. और आप सबन को ये बात भी पता होगी कि अपन ठाकुर जी को जगाते समय भी ठाकुर जी की बिरुदावली अपन बोलो करें, जय जय श्री महाराजा धीराज, महाप्रभु महामंगल रूप, श्री आचार्य जी के अंतकरण भूषण, श्री गुसाई जी के लाडले वगैरह, जो अपन बिरुदावली बोले हैं, तो वहां में अपन ठाकुर जी को यशगान ही करें. तो ठाकुर जी के गुणन को निरूपण करना यश को प्रकार है, और वो ही निरूपण यहाँ रुक्मिणी जी ने ठाकुर जी को किया करके ये यश निरूपक अध्याय है. और वह यश को महाप्रभु जी मैं ऐसे जोड़ रहे हूं कि रुक्मिणी जी के हृदय में ठाकुर जी को जो स्वरूप विराजमान है, वाकु यदि कोई ने जानो है और उनके अंदर ये योजना है कि मेरे बात को यदि कोई पहचान सके है, मेरे भावन को, तो वो केवल श्री ठाकुर जी हैं. मतलब मेरे भाव को जानने वाले ठाकुर जी भाववित. तो ये नाम यहां में जुड़ो के नहीं करके, जो बात अपनी माने या जो बात जो अपनी बात समझ सके है, वाकई तो अपन अपनी बात बताएंगे, हर एक को थोड़ी बताएंगे अपनी बात. तो रुक्मिणी जी ने अपने हृदय की बात ठाकुर जी को लिख के बताई, और ये सोच के बताई कि मेरे अंदर जो भाव हैं आपके प्रति, वाकू आप जानो ही, करके ठाकुर जी को लेटर भिजवाया है. तो यहाँ भागवत भाववित कौन है? ठाकुर जी. ये आखिर भागवत संगति है. आप देखो कहेंगे भागवत कौन है? रुक्मिणी जी. रुक्मिणी जी को भागवत कहो जा रहा है, भक्तन को भागवत कहो जाए, ऐसो पूरे भागवत में आप देखोगे तो ये परम भागवत है, ऐसे ऐसे निरूपण आवे.
जैसे वेद व्यास जी के लिए, नारद जी के लिए, बहुत सारे लोगन के लिए भागवत जो है भागवत शब्द यूज करे। भगवान सु जो रिलेटेड वो भी एक भागवत का अर्थ है, जो भगवान सु कनेक्टेड है वो भी भागवत है, भगवान के द्वारा जो कहो गयो है वो भी भागवत है। तो यहाँ इन तीनों अर्थन में से कौन सा अर्थ लेनो, तो जो भगवान से कनेक्टेड है वाको भागवत कहो जा रहे है, ऐसी भी व्याख्या भागवत में मिले है करके यहाँ भागवत जो है श्री रुक्मिणी जी हैं, और वह रुक्मिणी जी के भाव को जानने वाले ठाकुर जी तो भागवत भागवत है, और ये या तरह से ये नाम यहाँ जुड़ रहे है। ये तो यह अध्याय की संगति है। अब यह अध्याय में जो बातें हैं बारीकी की वो अपन एक बार देख लें कि आपको मैं यकी कथा सुनाऊंगा तो यकी कथा में आपको आनंद आएगा। शुरुआत में अपन को पता है कि ये मुमुक्षु की बात आपको बताई थी, राजा मुचुकुंद की मैंने कथा आपको सुनाई थी कि महाराज मुचुकुंद जो है वो ठाकुर जी के दर्शन करवे, ठाकुर जी की उनने बहुत सुंदर स्तुति करी और वहां से वो जो है भगवान की तपस्या करवे के लिए जो है नर नारायण मैंने बद्रिक आश्रम चले गए, वो कथा हो गई, वो पिछले क्लास में मैंने आपको बताई थी। और यहाँ पे जो है ठाकुर जी मथुरापुरी लौट आए, और मथुरापुरी में अब तक जो है वो काल यवन की सेना ने वो मथुरापुरी को घेर रखे थे, और म्लेच्छन की ठाकुर जी ने म्लेच्छन की सेना को संहार किया और सारो धन छीन से द्वारका को ले चले, और जा समय ठाकुर जी की आज्ञा के अनुसार वो सब धन ले जा रहे थे, और वह समय जो है मगधराज जो है जरासंध वो 18वीं बार 18th टाइम जो है वो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के वहां पे आयो, और कृष्ण बलराम जो है वो मनुष्य की लीला के करते हुए वहां से जल्दी से भाग गए दोनों जने ठाकुर जी और बलराम जी। खाली नाटक कियो कि बहुत डर रहे हैं करके, कोई डरे वरे नहीं थे, नाटक किया ठाकुर जी ने, और अपने कोमल चरण से बहुत दूर तक भागते रहे भागते रहे भागते रहे। और जब मगधराज जरासंध ने देखो कि ठाकुर जी बलराम भाग रहे हैं तो हंसवे लगे और पीछा करने लगे, ठाकुर जी के स्वरूप को ज्ञान नहीं आते, और बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई को थक से गए थे, और थकने के कारण ऐसा यहाँ पे या कि सुबोधि जी में महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर सुंदर बात बताई है, या कि आप सुबोधि जी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगी कि थकने को नाटक किया ठाकुर जी कोई थकते थोड़ी, लेकिन भाई लीला करनी है तो मनुष्य की लीला भी करनी पड़ेगी, तो थोड़ा थकान दिखाई, और एक ऊंचे प्रवर्षण पर्वत के ऊपर ठाकुर जी वो चढ़ गए। प्रवर्षण का नाम या के लिए पढ़ो के वहां सदा जो है वो मेघ वर्षा कियो करे हैं, या लिए अपना नाम प्रकर्षेण वर्षणम प्रवर्षणम पर्वत का नाम पढ़ो। तो सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, तो हे परीक्षित कि जब जरासंध ने देखियो कि दोनों पहाड़ में जाके छिप गए हैं और बहुत ढूंढने भी पता नहीं चलो, तब वाने वह पर्वत पे आग लगवा दी जरासंध ने, और पर्वत पे आग लगाने के कारण चारों तरफ आग लगा के वह पर्वत को जला दिए, और जब भगवान ने देखे कि पर्वत के सारे छोर एकदम भीषण अग्नि से जलने लगे हैं तो वह समय जो है जरासंध की सेना को ठाकुर जी ने लांघ्यो, और लांघ के जो है भागवत में वर्णन आवे कि 11 योजन ऊंचो पर्वत है तो, और वहां से ठाकुर जी ने छलांग लगाई। एक योजन मतलब
12 किलोमीटर हो गए, आप समझ सको एक योजन जो है वो 12 किलोमीटर हो गए, मतलब 42,240 फीट, 42,240 फीट को एक योजन हुआ है, और मल्टीप्लाई बाय 11 करो तो इतने हजार फीट सु ठाकुर जी ने छलांग लगाई। क्या कैलकुलेशन होगा आप सोचो तो पता चलेगी। वैसे एक कोस को भी हिसाब है, हमें कोस को भी वर्णन आ रहे हैं, हमें 44 कोस हटो करके, क्या 44 कोस करो तो एक कोस बराबर 3 किलोमीटर हो गए, तो 3 किलोमीटर मतलब 10,000 फीट हो गए, तो याकू 44 से मल्टीप्लाई कर लो तो उतने हजार फीट तो ठाकुर जी ने छलांग लगाई, जो भी आपको कैलकुलेशन पाता हो। और ठाकुर जी ने जब छलांग लगाई तब जो है वहां सु दोनों भाई समुद्र सु गिरी भाई अपनी जो द्वारका नगरी थी वहां में पधार गए। जरासंध ने मान लियो के झूठ मूठ ऐसा मान लियो कि कृष्ण और बलराम तो जल गए, और अपनी बहुत बड़ी सेना लेके वो बैक टू पवेलियन मगध देश वापस आ गए। ये एक स्टोरी को ऐसा पार्ट है कि जहाँ ये बात खत्म हो जा रही है, जरासंध की स्टोरी को वहां एंड हो जा रहा है भागवत में। कहें कि ये बात सुखदेव जी परीक्षित जी को कह रहे हैं कि ये बात तुमको मैंने 9वें स्कंध में ऑलरेडी बता के रखी है, कहें कि ये तो 10वां स्कंध है, तो 9वें स्कंध में मैंने पहले ही तुमको ये सारी बात बता दी है। और वामे ये बात बलराम जी की भी कथा है कि बलराम जी मैंने आनर्थ देश को जो राजा है तो रहीवत करके वाने अपनी ब्रह्मा जी की प्रेरणा सुवा की जो पुत्री अति रेवती वो बलराम जी के साथ ब्याह है, ऐसी कथा आगे भागवत, वो कथा 9वें स्कंध में आगे। और वहां सुखदेव जी परीक्षित जी को ये भी बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने जैसे बलराम जी को विवाह रेवती जी के साथ भयो, ऐसे ही ठाकुर जी को विवाह जो है वो रुक्मिणी जी के साथ भयो, और वो रुक्मिणी जी को ठाकुर जी ने हरण किया। ये जब बात सुखदेव जी परीक्षित जी को बता रहे हैं तब परीक्षित जी सुखदेव जी से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा मैंने सुनियो है कि रुक्मिणी जी के साथ ठाकुर जी रुक्मिणी जी को ठाकुर जी ने हरण किया और वो राक्षस विधि से विवाह किया ठाकुर जी ने, ये क्या बात है, ये सब पूरी बात आप मेरे को बताओ। तब वो सुखदेव जी जो है वो स्टोरी सुना रहे हैं परीक्षित जी को। तो एक बात सुनो, अपने यहाँ 8 तरह के विवाह बताए गए हैं, वो 8 तरह को विवाह ऐसा है कि एक ब्रह्म विवाह हुए है, एक दैव विवाह हुए है, एक आर्ष विवाह हुए है, एक प्राजापत्य विवाह हुए है, एक असुर विवाह हुए है, एक गंधर्व होवे और एक राक्षस और छल्लो पैशाच विवाह हो। ये विवाह के 8 प्रकार मनुस्मृति में लिखे गए हैं, आप लोग पढ़ोगे तो पता चली जाएगी। लेकिन मैं आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या आपको दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे जो राक्षस विवाह हो रहा है बाकी आपको बराबर जानकारी मिले। मैंने जब कन्या के माता पिता उनकी पूर्ण सहमति सु पिता जो है योग्य वर को ढूंढ के आभूषण सु अलंकृत कन्या जो है वापो दान यदि वर को दे रहे हो है तो वो ब्राह्म विवाह कहलाता है, वापो ब्राह्म विवाह कहलाता है। माने ये बहुत फेमस विवाह है जो समाज में मान्य विवाह है ये, और ऐसे विवाह से जो उत्पन्न संतति होवे है वो 21 पीढ़ी को तारे है, ऐसो वहां में उल्लेख है। जो सेकंड विवाह है वो दैव विवाह है, दैव विवाह आजकल के समाज में फेमस नहीं है, कहीं के पहले के जमाना में जो कन्या को पिता एक यज्ञ ऑर्गेनाइज करते तो कोई भी एक यज्ञ, और जो वह यज्ञ को पूरा करे वह व्यक्ति के साथ अपनी कन्या को ब्याह देते तो यज्ञ रिलेटेड यज्ञ से रिलेटेड यह विवाह तो या के लिए यको नाम देव विवाह पड़ो दैव विवाह पड़ो। तीसरो जो विवाह है जाकू अपन आर्ष विवाह कह रहे हैं, वो आर्ष विवाह ऐसा है कि जो विवाह इच्छुक वर जो है जाकू विवाह करना है जा व्यक्ति को,
तो वो क्या करे कि कन्या के पिता को एक गाय और दो बैल भेंट देवे और ऐसे दो जोड़ा देवे, तो कन्या को पिता जो है वाके साथ अपनी वाकी कन्या को ब्याह दे दो। तो ये आर्ष विवाह को लक्षण बताया गया है शास्त्र में। ये एकदम शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूं आपको ताकि अपने को पता चले। चौथा विवाह जो है वो प्राजापत्य विवाह है। प्राजापत्य में विवाह क्या है कि कन्या को पिता जो है सम्मान पूर्वक कोई एक व्यक्ति को उपदेश देवे, ब्रह्मोपदेश देवे और विधिवत वर की पूजा करके वर को वो वधु वा वर को अपनी पुत्री उपहार के रूप में दे, उसको सम्मान करके, ये प्राजापत्य विवाह है। और वाक्य बाद जो चौथो असुर को विवाह है, मैंने ये पांचवो देख रहे हैं ना अपन, पांचवो असुर विवाह। असुर विवाह में क्या हुआ है कि असुर विवाह में असुर विवाह में यम लिखे, असुर विवाह में ऐसा हुआ है कि बिना कोई की सहमति के विवाह करना, मतलब वो प्रिस्क्राइब नहीं हुए वो विवाह, लेकिन जबरदस्ती से हो जाए वो विवाह, बापू असुर विवाह कर जाए। और एक गंधर्व विवाह हुए है छठो, वो गंधर्व विवाह को अपन प्रेम विवाह कह रहे हैं, जहाँ स्वेच्छा से वर वधु मिले और जैसे अपने बहुत फेमस उदाहरण है दुष्यंत और शकुंतला को, ये वो गंधर्व विवाह तो। और वाक्य बाद जो है सातवों जो होता तो वो राक्षस विवाह होता तो। राक्षस विवाह में व्यक्ति के द्वारा कन्या और कन्या के जो भी परिकर हैं उन सारे लोगों को जो है अपनी शक्ति के अनुसार धन दे करके स्वेच्छया कन्या को ग्रहण करना, बलपूर्वक आपको खींच के ले जाना, वो राक्षस विवाह है जो ठाकुर जी ने किया रुक्मणी जी के साथ। और वाके बाद जो पैशाच विवाह है आठवो विवाह, वो लड़ाई झगड़ा करके जो है वो छीन झपट के युद्ध में हरण करके कोई स्त्री से विवाह करना, ये मने सॉरी कोई निद्रारत कन्या होवे है या उन्मत्त या घबराई भी कन्या हो गए वाके साथ दुष्कर्म करके वाको जबरदस्ती अपने अधिकार में लेने, वो पैशाची विवाह कर। तो ऐसे विवाह के आठ प्रकार हैं। वहां में जो राक्षस विवाह है जो ठाकुर जी ने रुक्मणी जी के साथ विवाह किया हो के अपनी इच्छा से वाके साथ खींच के वाके साथ विवाह करनी, वो जो है वो रुक्मणी जी के साथ की हो, वो राक्षस विवाह के अंतर्गत आ रहे हैं। अब ये जो विवाह के इतने सारे प्रकार हैं, वामी सो राक्षस विवाह ठाकुर जी ने क्यों किए, या के निरूपण में सुबोधि जी में महाप्रभु जी ये बता रहे कि राजस साधन प्रकरण के अंतर्गत ठाकुर जी ने स्त्री और पुरुष दो के ऊपर अनुग्रह किए है। तो पुरुष के ऊपर अनुग्रह तो राजा मुचुकुंद पे कियो, ये अपन ने देखी ली, और स्त्री के ऊपर जो अनुग्रह कियो वो राजस साधन प्रकरण में तीन स्त्रियों पे ठाकुर जी ने अनुग्रह कियो है, रुक्मिणी जाम्बवती और सत्यभामा। वामसु पहली स्त्री के ऊपर जो अनुग्रह कियो वो है रुक्मिणी जी, जाको निरूपण या अध्याय में आ रहे हो। और ठाकुर जी ने जो अनुग्रह कियो है वो अनुग्रह तीन तरह से कियो है, मन सु अनुग्रह कियो है, काया सु अनुग्रह कियो है और वाणी सु अनुग्रह कियो है। ये सब आपको ये जो बात बता रहा हूँ मेरे गांठ की बात नहीं है, सारी सुबोधि जी की बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो आपने मन सु अनुग्रह स्त्री के ऊपर कियो और गांधर्व विवाह कियो वो गांधर्व विवाह, और कायासु जो आपने अनुग्रह कियो आपको अपन राक्षस विवाह कह रहे हैं, और वाणीसु जो आपने अनुग्रह कियो वैदिक विधिसु वाको निरूपण आगे पांचवें अध्याय में आएगा। वैदिक विधिसु जो विवाह आपने कियो वाको निरूपण पांचवें अध्याय में आने वालों है। ये
रुक्मिणी जी के साथ जो ठाकुर जी को ब्याह है वो बहुत इंटरेस्टिंग आपकी स्टोरी है वैष्णव, वो आप लोगों को पता है कि नहीं, ये नहीं पता है मेरे को, लेकिन विदर्भ नरेश तो एक भीष्मक करके विदर्भ देश को जो राजा तो भीष्मक, वह भीष्मक के 5 पुत्र और 1 पुत्री थी, मतलब रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली, ये वाके 5 पुत्र थे और 1 पुत्री थी जाको नाम रुक्मिणी। अब एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब अपन रुक्मी की बात कह रहे हैं, रुक्म का अर्थ हो सोना, सोना वाक रुक्म का अर्थ हो सोना, रुक्म मतलब स्वर्ण। अब एक्चुअली रुक्म का अर्थ जब स्वर्ण है तो एक बात समझो कि स्वर्ण में कली काल रह गए है कि नहीं, और जितने रुक्मी, रुक्म रथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश और रुक्म माली हैं, ये जो 5 भाई हैं उनमें कली काल कूट कूट के भरो गए, और सबसे ज्यादा जो कलिकाल भरो गए वो रुक्मी के अंदर है, तो जाने ठाकुर जी के साथ रुक्मिणी जी को विवाह नहीं होने दिए। बाकी 4 भाई तो तैयार भी हो गए लेकिन रुक्मी जो है वो तैयार नहीं आते, मानना सबसे ज्यादा अदुष्टता आती। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यदि कलिकाल के कारण ये जो रुक्मी नामक ये जो 5 भाई हैं वो दुष्ट हैं, तो रुक्मिणी जी भी तो उनके बहन होने के कारण दुष्ट होंगी, क्योंकि वो भी तो रुक्मिणी है ना, रुक्म का अर्थ स्वर्ण है, और यदि वो रुक्मी रुक्म यदि 5 भाई यदि वैसे हैं तो रुक्मिणी भी दुष्टी भाई, तो उनकी दुष्टता को जो निराकरण है ठाकुर जी ने उनको हरण करके किया कि भाई वो अदुष्ट हैं, ये बात मैं खुद उनको छीन के ले जा रहा हूं, ये या बात की साइन है कि वो अदुष्ट हैं। रुक्मिणी जो है वो भागवत हैं और वो ऐसे वातावरण में नहीं रह पाएंगी जो दुष्ट वातावरण है, क्योंकि भीष्मक को जो पूरा परिवार है वो दुष्ट परिवार है, क्योंकि भगवत संबंध को वह परिवार में अभाव होने के कारण वह परिवार में दुष्टता वातरे की व्याप्त, और यदि बात करें कि दुष्टता व्याप्त है तो ऐसे दुष्ट परिवार के साथ रुक्मिणी जी कैसे रह पाएंगे करके रुक्मिणी जी जो है वहां पे ये बात सिद्ध कर रही हैं, पत्र लिख के ठाकुर जी को इन्वाइट कर रही हैं कि मैं यहाँ माहौल में नहीं रह सकूं, आप तो जानो मेरे को कि मैं कौन हूँ, और वहां महाप्रभु जी ने खुलासा किया कि रुक्मिणी जी असुर व दुष्ट परिवार में उनको जन्म जरूर भयो है लेकिन रुक्मिणी जी में लक्ष्मी कॉन्श है, और लक्ष्मी जी को वरण विष्णु के अलावा और कोई नहीं कर सकता है करके ठाकुर जी ने उनको हरण किया, क्योंकि स्वेच्छया भीष्मक उनको विवाह कृष्ण से करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि रुक्मी आड़े आ रहे तो वो स्वर्ण बीच में आ रहे तो, और जाके पास भी स्वर्ण हो गए है बाकी ऊपर कली काल को कली को प्रभाव रह रही है, दुष्ट को प्रभाव रह गई है, क्योंकि कली में तो स्वर्ण मने स्वर्ण में तो कली विराजी रहे हुए अपन देख ही चुके हैं, प्रथम स्कंद में ही आपको खुलासा हो चुके है करके, ये सारी बातें को ध्यान में रखते हुए रुक्मिणी ने ठाकुर जी को इनवाइट किया है, और ठाकुर जी को इनवाइट करके ठाकुर जी को बुलाया कि आप मेरा हरण करो, और सारी तरकीब भी बताइए, ये पूरा भागवत भाववित को बैकग्राउंड है। अब यकी जो लास्ट बात है भागवत भाववित की वैष्णव, बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो महाप्रभु जी के अलावा कोई ने नहीं बताई है। आप 22वां श्लोक देखोगे, या को
तो देखो यहाँ पे बताया है कि रुक्मी अग्रजो रुक्म रथो रुक्म बाहो रनंतर रुक्म केशो रुक्म माली रुक्मिणी एशाम स्वसा सती। भागवत यह बात को मेंशन कर रहे हैं कि रुक्मिणी जी नाम उनको भले रुक्मिणी है, लेकिन रुक्मिणी जो है वो बहन सती रुक्मिणी, रुक्मिणी जी सती स्वरूप है, लक्ष्मी अंशा है। ये बात इनकी अदुष्टता को बता रहे है, महाप्रज ने यह बात को सुबोधनी जी में मेंशन किया है। और वाक्य बाद पूरी कथा 36वें श्लोक तक यही बात की कथा आ रही है। आप लोग अध्याय पढ़ोगे तो आपको ये बात ध्यान में आ ही जाएगी। वैसे आज अपन मेन 37वां श्लोक देखेंगे, जामे जो ब्राह्मण के द्वारा रुक्मिणी जी ने जो ठाकुर जी को जो संदेश भिजवाया हो वो 7 श्लोकन का संदेश है। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 42, 43, 44। ये 7 श्लोक में संदेश ठाकुर जी के लिए भिजवाया हुआ है, और वो 7 श्लोक महाप्रभु जी कह रहे हैं कि 6 धर्मनिरूपक और 1 धर्मनिरूपक है। वो ही महाप्रभु जी की पॉलिसी है ना, फैंटास्टिक पॉलिसी। आप को देखोगे ना धर्मी निरूपक श्लोक है, वहां में रुक्मिणी जी ठाकुर जी के धर्मी स्वरूप को बता रही हैं कि हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वाले के कानन के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप और जन्म जन्म की जलन